गन्नौर नगर पालिका रोड पर स्थित तारा मैरिज पैलेस में त्यागी समाज हरियाणा एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से आयोजित त्यागी समाज मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेडीयू के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी व विशिष्ट अतिथि के रूप में यूपी के किटोर के विधायक सतबीर त्यागी ने भी शिरकत की। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ठीक ही है, हरियाणा में जो मंडल कमीशन की अनुशंसाएँ रिकमेंड हुई हैं उसमें त्यागी को भी उसके अंदर रखा गया है। और ये शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक नहीं, उसके आधार पर त्यागियों की उसमें शामिल किए गए। तो जब मैंने राजपूतों की, ब्राह्मणों की, बनियों की, कायस्थों की मीटिंगों के प्रस्ताव देखे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको भी आरक्षण की सुविधा मिले, फिर यहाँ त्यागी समाज के किसी साथी को इस पर क्यों ऐतराज होना चाहिए और उसका फायदा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जिस पार्टी में हूँ वो तो पिछड़ों की पार्टी है, बिहार सब हैं उसमें, लेकिन पिछड़ों के अधिकांश जाते हैं, तो वहाँ रोज धरने होते हैं बिहार में कि हमें भी मंडल में लो, हमें भी मंडल में लो, भूमिहार भी कहते हैं। अब उसका मैं एक फायदा आपको बताना चाहता हूँ। जाटों के मंडल में आने से पहले हरियाणा की जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं, एक तो यहाँ पिछड़ी जातियाँ में ना तो उस तरह से यादव, ना कुर्मी है, ना कोरी है, ना काची है, ना और जातियाँ हैं। यहाँ पर एक कोने में यादव हैं, एक कोने में गुजर हैं, बाकी सैनी हैं, कम्बोज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो पिछड़ों की ताकतवर जातियाँ हैं वो हरियाणा के अंदर नहीं है। अगर जाटों को इसमें से निकाल दूँ और त्यागी भी इसके हिस्से रहें, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने भी शैक्षणिक पद हैं और जितने भी सरकारी पद हैं, कोई भी महकमा ऐसा नहीं होगा आरक्षण के बाद जिसमें त्यागियों के बच्चे शामिल ना हों। किसी साथी को अगर इसमें कुछ ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।